News 18, India. अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हुई थी, जिसके 6 दिनों के अंदर ही 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शनों के लिए मंदिर पहुंचे। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसकी व्यवस्था की गई है और कड़े इंतजाम किए गए। भगवान राम की नगरी में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भगवान रामलला के प्रतिष्ठा के पश्चात 23 जनवरी को जहां लगभग 5 लाख लोगों ने रामलला का आशीर्वाद लिया, तो 24 जनवरी को यह संख्या लगभग 2.5 लाख थी। इसके साथ ही 25 जनवरी को 81,000 लोगों ने भगवान रामलला का दर्शन किया था और 26 जनवरी को यह संख्या लगभग 3,25,000 थी। उसके लिए हमने कोई रोक लगाई नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारा, हमने जो प्राथमिकता दी है ऐसे सेक्टर को प्राथमिकता देंगे, ऐसे निवेशकों को हम प्राथमिकता देने वाले हैं, उद्योग लगाने वाले भी उन लोगों को हम समस्त प्रकार की सुविधाएं केवल उनको इस आधार पर देने वाले हैं कि वो सबसे पहले हमारे यहाँ पर अधिक से अधिक नौकरियों का सृजन करेंगे, अधिक से अधिक हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के लिए रोजगार का काम करेंगे, अधिक रोजगार देने वाले को हम अधिक सुविधाएं देने का भी काम करेंगे। जेडीयू की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी और इसके अलावा जो सहयोगी दल है, लेकिन इस बीच जो आज की सबसे खास तस्वीर आप दर्शकों के सामने हम पहुंचा रहे हैं वो है एक रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड ऐसा जो नीतीश कुमार ने राजनीति में राजनेता रहते हुए अपने नाम किया है, वो है 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के लिए। मार्च 2000 से ये जो सिलसिला शुरू होता है वो जनवरी 2024 तक आकर रुकता है, और क्या ये सिलसिला रुका है या आने वाले वक्त में यही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, साल और हमें इसमें ऐड कर देंगे, क्या ये होने जा रहा है, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अभी कम से कम 2024 तक तो हम इंतजार करते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद है 2025 का विधानसभा चुनाव।